girls with their nails done now. ये एक छोटा सा बोर्ड बनाया था इस कैबिनेट के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखा होगा डबल फ्यूज में है, इसमें 25025 का एक ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं। और ये एक बोर्ड डिज़ाइन किया था 5200 पे, इसमें कुछ कमी थी, मैंने ही डिज़ाइन किया था तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया था बनाने में, फर्स्ट टाइम ऊपर नीचे हो ही जाता है। जैसे ये ब्राउन और ब्लैक कलर की जो वायर देख रहे हैं यहाँ पे, ये डिज़ाइन टाइम पे मिस्टेक हो गई थी तो टेस्टिंग टाइम पे इसको सही किया है। फिर यहाँ पे रेक्टिफायर था, रेक्टिफायर की वायर थोड़ी सी गलत हो गई थी। एक्चुअली सारा डिज़ाइन कॉपी पेस्ट हुआ था, ये डिज़ाइन अलग बनाया था, डिज़ाइन बना करके अलग अलग पेजेस पे बना करके फिर उसमें थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में थोड़ा थोड़ा कई कई मिस्टेक हो जाता है, फर्स्ट डिज़ाइन हो जाती है, फिर बाद में अभी इसको मॉडिफाई किया हुआ है तो अब ये फिक्स हो गया है। और इसमें डुअल है 100 वाट, यहाँ पे लाइन बनी हुई है, ये 100 वाट है, फिर इधर से ये यहाँ से यहाँ तक ये 100 वाट है, तो दो चैनल है 5200 का, एक चैनल इधर है एक चैनल इधर है, तो 100+100 है स्टूडियो में। इसमें इसी में सेम स्पीकर प्रोटेक्शन भी लगा हुआ है जिसकी 12 वोल्ट की सप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपको 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये स्पीकर प्रोटेक्शन होगा। इसका राइट साइड का इनपुट आउटपुट ये इधर है, इसका इधर है, ठीक है। ये PDF में मेंशन रहेगा, एक ग्राउंड होता है इसमें, ये इधर साइड वाला, तो ये सारा इसी में इनबिल्ड है। इसमें गलती हुई थी मुझसे कि यहाँ पे ये जो रिले है ये मैंने छोटी साइज़ की लगा दी थी, ये रिले मुझे मिले ही नहीं, तो मैंने बहुत सर्च किया, इसका साइज़ निकाला जो भी साइज़ है, साइज़ देखने के बाद फिर जो नॉर्मल रिले होती है उसका साइज़ चेक किया, दोनों का साइज़ चेक करने के बाद यहाँ पे फिर PCB को फिर से दोबारा से मॉडिफाई किया था, जो भी पीछे की प्रॉब्लम है और ये सारी प्रॉब्लम थी दोबारा मॉडिफाई करके इसमें दोनों रिले का ऑप्शन दे दिया। ये रिले आपको बहुत महंगी मिलेगी और मिलेगी भी नहीं, ये मैंने फिर बाद में इंटरनेट से कहीं से सर्च करके मंगाया था। यहाँ पे मैंने छोटा लगा रखा है, रेक्टिफायर के लिए यूज होता है, तो आप यहाँ पे 4 डायोड का ऑप्शन है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांजिस्टर मेंशन होंगे, नहीं मिलते हैं तो मैंने शायद कुछ और लगा रखा है, 9013 है, मिल जाएंगे मार्केट में, इसलिए इसकी जगह पे आप स्क्वायर वाला वो वाला लगाइए ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए कि इसको घुमाते रहेंगे फिर रेड लाइट इंडिकेट नहीं होगी, तो बेटर है कि आप वो स्क्वायर जो सिंगल रोटरी होती है वो लगाइए, अगर एक्सपर्ट है तो आप मल्टी रोटरी लगा सकते हैं। ये मेनली रिले के लिए है, रिले को एक्टिवेट करने के लिए, इसका टाइमर है। ये जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं मल्टी रोटरी, ये DC ऑफसेट के लिए है दोनों में, आप यहाँ पे लगाइए या मत लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपर्टाइल हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाते हैं तो तीनों पॉइंट इसके जो हैं 3 पॉइंट होंगे, तीनों को शॉर्ट करने होंगे, ये पीछे से, ठीक है, पीछे से आप ये होता जिसका एक ये होगा और इधर एक ये, ठीक है। इसमें दो IC डबल IC थी 5582, तो उसको मैंने मॉडिफाई करके मर्ज करके उसकी जगह पर TLO 74 लगा दिया है। ये ऊपर के दो पॉइंट जो है ये ट्रेवल के हैं, इसको इतना घुमा दिया है कि इसकी वायरें उलझ गई हैं फिलहाल, तो ये जो ऊपर की दो वायरें हैं ये ट्रेवल की हैं, कनेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया होगा, आपको वो जब चलाएंगे चेक करेंगे ना तो उसमें बास ट्रेवल का कौन सा ग्राउंड है, वैसे इसमें ये है ग्राउंड 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और ये मेन वॉल्यूम है 1 2 3, ठीक है, इसका वॉल्यूम ये ग्राउंड इसका इधर है, इसका इधर है, ठीक, इस तरीके से दिया आप चेक कर देंगे इसको मेनली मतलब चला करके, ये ऊपर वाला ये ट्रेवल्स है फिर बेस है, ठीक है, ये राइट का वॉल्यूम है, ये लेफ्ट का वॉल्यूम, ये बैलेंस के लिए है, बैलेंस आप लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है।
फिर आप इधर आ जाइए, यहाँ पे TLO 72 लगी हुई है, दो IC होंगी, TLO 72 ही है। मैंने इसको बहुत पहले डिज़ाइन किया हुआ था, फ़िलहाल कुछ बिजी हो गया था काम में, तो इस वजह से मैं इसका वीडियो नहीं बना पाया, अभी मुझे भी याद नहीं है चीज़ें। तो इसमें क्या है, ये जो है एक माइक कनेक्शन यहाँ पे है, इसका वॉल्यूम इधर है, ठीक है। ये माइक का कनेक्शन है दूसरा, इसका वॉल्यूम ये है। तो इसको आप चेक कर लेंगे पीछे से ग्राउंड कौन सा है, तो ग्राउंड के अकॉर्डिंग इसका माइक का कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका जो इनपुट है, इसको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से इनपुट जाएगा इसमें, लेकिन इसका वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है। ये वाला वॉल्यूम है, ये बेस हो गया, वो ट्रेवल्स हो गया, ओके। फिर ये जो सप्लाई आ रही है यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, उसमें होगा। फ़िलहाल नॉट फॉर सेल है, आपको घर के यूज़ के लिए बना सकते हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है तो इसके पीछे लोग पड़ेंगे ही। तो ये जो है यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई निकल रही है, यहाँ से माइनस प्लस है, ठीक है। यहाँ पे जो पिन दिए हुए हैं, इसमें ये वाला लास्ट वाला जो है, ये जो पिन दिए हुए हैं, ये ग्राउंड है, ये प्लस है, ये माइनस है। अगर आप इस रेक्टिफायर इस सेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो अगर इस सेक्शन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड आपको यहाँ देना है, और ये दो पॉइंट्स होंगे इसके, ये दो पॉइंट यहाँ पे लग जाएंगे और ये ग्राउंड यहाँ चला जाएगा, ओके। और इसी से ही आपकी 15 0 15 की सप्लाई बनी हुई है, जो कि यहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने अलग से दे रखी थी स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ से चली जाएगी, इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा। और यहाँ पे जो है, ये जो है, ये ब्लूटूथ का राइट है, ये ब्लूटूथ का लेफ्ट है, ये ब्लूटूथ का ग्राउंड है। ये देख सकते हैं कि मैंने ब्लूटूथ जोड़ रखा हुआ है। इसमें जो 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये मैंने यहाँ से निकाल के दी हुई है, ओके। तो यहाँ से 5 वोल्ट की सप्लाई मैंने इसी से निकाल करके इसको दे दी है, ब्लूटूथ को, और इसको यहाँ पे मैंने जोड़ रखा है। इस पर आप वो जो बड़े वाले ब्लूटूथ आते हैं, जो ये वाले ब्लूटूथ आते हैं, आप इसको भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पता नहीं है वर्किंग है कि नहीं है, पड़ा हुआ था किसी डिब्बे में, अब देखता हूँ, इसको चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं इसको कनेक्ट करके ये सारी चीज़ें मैं इस जो भी हैं ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा जोड़ करके इसको प्रॉपर मेंटेन कर लूँगा, मेंटेन करके फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ओके। इसका कनेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है, इसको सिंपल मैं धीरे धीरे समझा देता हूँ, वैसे तो बताया ही है, इसमें कुछ है नहीं। एक पॉइंट ये, और आपका दिख रहा होगा एक पॉइंट ये वाला, एक ये दोनों पॉइंट को, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है, इसमें सबसे नीचे इस पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सारे वायर्स एक साथ है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये जो आप देख रहे हैं माइक के लिए है, ये दोनों माइक को उठा करके इस पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये दोनों माइक का कनेक्शन है, ये वॉल्यूम है माइक का, ये माइक का वॉल्यूम आपका यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये माइक का वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है। जैसे ये माइक का कनेक्शन ये माइक पे आ गया ऑक्स यहाँ पे। फिर ये जो ये देख रहे हैं, ये आपका इनपुट का कनेक्शन है, लाइन इन का है, लाइन इन को उठा के मैंने यहाँ पे दे रखा है। ये दो पॉइंट जो देख रहे हैं, ये दो पॉइंट आपके यहाँ पे आ रहे हैं, ग्राउंड को सीधा ग्राउंड दे दिया यहाँ पे से, ठीक है। ये BT का ग्राउंड था, बस ये BT ब्लूटूथ इसका, ठीक है। ये ब्लूटूथ का ही आपका लेफ्ट और राइट है, यहाँ पे लेफ्ट राइट दिख रहा होगा, कुछ है नहीं, यहाँ पे एक लगा रखा हुआ है रजिस्टर, उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है।
ये दो पॉइंट जो आप देख रहे हैं, देखिए देखिए ये वॉल्यूम का है, उसको मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है। फिर ये बास ट्रेवल है, बास ट्रेवल का भी देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, बास ट्रेवल है, ये ट्रेवल है, ये बेस है। तो ये बायस ट्रेवल की वायर सीधा जा रही है, यहाँ पे कनेक्ट हो जा रही है, ये ट्रेवल्स के लिए है, ये ट्रेवल है, ये बेस है, ठीक है, ये ट्रेवल है, ये बेस है। तो ये ट्रेवल ट्रेवल आपको उठा करके यहाँ पे दे देना है, और ये वाली जो बेस है और ये बेस है, ये दोनों उठा के आपको यहाँ पे दे देना है इस पर, ठीक है। ये 100 100 100 लगा हुआ है, इसके लिए यहाँ पे आप 47K भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे ये देखिए दिख रहा होगा 100 100 100 लगा हुआ है, यहाँ पे 100 जो माइक का है उसको आप 47K भी लगा सकते हैं, और यहाँ वॉल्यूम पे मेन वॉल्यूम मास्टर वॉल्यूम जो है यहाँ 47K लगाया है, आप 20K भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 47K लगा रखा है, और हल्का होम के लिए है तो कोई दिक्कत है नहीं कि, और ऑर्केस्ट्रा वगैरह के लिए बनाते हैं तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो इसका ये जो है इसका कनेक्शन डायरेक्ट मैंने इसी से दे रखा हुआ है, स्पीकर प्रोटेक्शन से, ठीक है, स्पीकर प्रोटेक्शन से, यहाँ से इसकी प्लस, ये जो रेक्टिफायर है इसका प्लस माइनस से डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया है, 200 mA के अराउंड ये सप्लाई उठाता है, इस वजह से मैंने इसको यहीं दे दिया है। और सेम इसी से आपकी 5 वोल्ट की सप्लाई जो बनती है, ये वाली, ये 5 वोल्ट की सप्लाई जो बनती है, ये आती है उठ करके यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो कैल्ट्रॉन का कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये इस वाली स्विच पे, ये FM वाला जो स्विच है, ठीक है, इस पर हम लगा देते हैं। तो और यहाँ इसी पॉइंट से, इसके इस पॉइंट से ही आपका ये जो पॉइंट है, ये डायरेक्ट हम यहाँ ब्लूटूथ में दे देते हैं यहाँ पे, और ये ब्लूटूथ का कनेक्शन जो है यहाँ BT के लेफ्ट राइट पे ले लेते हैं, यहाँ लेफ्ट, ये लेफ्ट राइट ग्राउंड, आप लेफ़्ट राइट इंटरचेंज भी कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, किस लिए कि सभी के लिए सिंगल नॉब ही लगी हुई है, वैसे तो प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जो जैसे फ्रंट के लिए लेफ्ट किया है राइट किया है तो उसके हिसाब से ही लगाइए, लेकिन फ़िलहाल ये इसमें एक ही इनपुट से ही चल रहा है तो आप किसी में भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और वॉल्यूम सेम है, कॉमन है दोनों का, इस वजह से आगे पीछे किसी में भी लगा सकते हैं, बस ऐसा ना हो कि बायस को ट्रेवल में, ट्रेवल को बेस में कर दिया, ये नहीं, ट्रेवल की ट्रेवल में ही रखिए, और आगे पीछे जैसे इसमें आगे पीछे का होता है ऑप्शन, दो ऑप्शन होता है, तो दोनों में से किसी को भी लेफ्ट या राइट करके बना सकते हैं, आप देख लीजिए कि कौन सा मुझे फ्रंट का लेफ्ट करना है या राइट करना है, उसके हिसाब से बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि बनाने वाले का मूड क्या है, ठीक है। फिलहाल इसमें इन वायर्स की वजह से मुझे थोड़ी सी हमिंग आ रही है, आप इस वायर की जगह पे जो अच्छे वाले वायर होते हैं, मेरे पास है नहीं फिलहाल, ये वाले जो वायर आते हैं, ये वाले, ये देखिए ये वाले जो वायर आते हैं, तो अगर आप पास ये अवेलेबल हो, ठीक है, ये वाले इंसुलेटर जो आते हैं हेड वायर के लिए जो पहले यूज होता था, अगर इस टाइप के वायर आते हैं तो आप वो यूज कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। फिलहाल ये 100+100 बनाया था, आप इसको 50 पे ही बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम पावर सप्लाई इसकी 50 वोल्ट ही जानी है, 50 वोल्ट से ऊपर नहीं ले जाना है, तो आप 50 जो 5198 जो पेयर आते हैं आप उसको भी लगा सकते हैं 50 वोल्ट की सप्लाई के लिए। ये जो पॉइंट है ये आप देख रहे होंगे, ये प्रीसेट और ये प्रीसेट, ये दोनों प्रीसेट की जगह पे इन तीनों पॉइंट, इसके जो तीनों पॉइंट हैं आप इसको जम्फर कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, अगर आप एडवांस यूजर हैं तो आप इसको लगा सकते हैं इस पॉइंट, ये जो है ये डिले का है, जैसे मैं ऑन करके दिखाता हूँ, ये देखिए
मशीन ऑन हो गई। वायर्स की वजह से थोड़ा सा, ये जो वायर्स खुले हुए हैं इसकी वजह से थोड़ी सी हमिंग आएगी, ठीक है। अच्छे वायर लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए ये ऑन हो गया, तो जैसे ये ऑन होगा ये वाली लाइट जलती है रेड वाली, ठीक है। रेड की जगह आप ग्रीन लगा सकते हैं। फिलहाल ये अंदर ही रहेगा, बॉडी के अंदर रहेगा, तो इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया है। दूसरा नंबर, ये जो दो ब्लू लाइट लगी हुई है ये आपको इसको डिस्चार्ज करने के लिए लगी हुई है, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज करने, जैसे कि मैं स्विच ऑफ करता हूँ, तो ये दोनों को डिस्चार्ज करने के लिए, वैसे इसमें मैंने कुछ लगा नहीं रखा है, ये दोनों कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए लाइट लगा रखी हुई है। ये धीरे धीरे जैसे ये डिस्चार्ज होगा ये लाइट ऑफ हो जाएगी। देखिए दोनों एक साथ ही ऑफ हुई है, इसकी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज प्लस माइनस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है कभी कभी। ये वाले जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आप देख रहे होंगे, ये वाले, ये दोनों रेजिस्टेंस आपके 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए बने हुए हैं, 15 वोल्ट की सप्लाई के लिए। ये जो ICs हैं, ये दोनों ICs हैं, इसके लिए यहाँ पे जो जीनर सब लगा रखा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस लगा करके जीनर से 15 वोल्ट की सप्लाई बनाई गई है। उसी तरह सेम ये वाली जो सप्लाई बनी हुई यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई के लिए है, यहाँ पे एक जीना 5 वोल्ट का लगा करके ये रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई है 5 वोल्ट की सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और ये BT वोल्ट जो है इसको सप्लाई मिल जाती है। बैलेंस मैंने अब छोड़ रखा है, किस लिए कि यहाँ पे देखिए बैलेंस है ना, देख रहा हूँ ये बैलेंस मैंने छोड़ रखा है, इसलिए मुझे बैलेंस की ज़रूरत नहीं थी। बैलेंस की जगह पर यहाँ पर माइक यूज़ करूँगा, तो फिलहाल मैं इसको हटा दूँगा, देखता हूँ अगर हट जाता है तो अच्छी बात है। वैसे तो ये पेंट रिमूव हो जाता है, ब्लैक के ऊपर वाइट है, तो धीरे धीरे थिनर से किसी चीज़ से साफ़ कर देंगे तो ये साफ़ हो जाएगा, ठीक है। और कोशिश करिए कि ये फैन जो मैंने लगा रखा है, इसी सप्लाई दे रखी है जो मारा बोर्ड की सप्लाई है, तो इसको अलग कर दे तो ज़्यादा बेटर है। आउटपुट का कनेक्शन देख लीजिए, आउटपुट के लिए स्पीकर आउट के लिए मैंने यहाँ से ये ग्राउंड है, ये राइट का है, राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये वाला, तो ये वाली सप्लाई जो है यहाँ लगी हुई है, ये वाली यहाँ लगी हुई है। यहाँ पे ये जो राइट साइड का चैनल है वो इसके लेफ्ट में आ रहा है, ये लेफ्ट का इधर आ रहा था, वो सर्किट बनाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था मेरे से ही। ऊपर नीचे क्या मतलब कि एक तरीके से ट्रैक आपस में क्रॉस हो रहे थे, तो मैं आउटपुट की लाइन मैं क्रॉस करना नहीं, जम्पर लगा कर क्रॉस नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने ये वाला पास पड़ा इधर, मतलब कि इधर से जा रहा था, तो ये इधर को डायरेक्ट जम्पर कर दिया और इसको यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो ये जम्पर करना था तो उसकी वजह से तो लेफ्ट राइट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनल ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाली जो पॉइंट होती है इसमें, ये इनपुट का है, ये ग्राउंड होता है, ये लेफ्ट राइट होता है, मेन पॉइंट ये दो होता है, तो ये जो माइनस है इसको मैं ले आ करके यहाँ पे, ये देख रहा होगा, यहाँ पे डायरेक्ट जम्पर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी का ये जो लेफ्ट राइट है इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, देख रहा होगा, ठीक है। माइक का कनेक्शन भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, माइक का कनेक्शन तो ये जो है, ये जो इनपुट जा रहा है, या माइक का जो माइक तो मैंने यहाँ से लगा रखा है, तो ये जो दो हैं माइनस तो डायरेक्ट चले जाएंगे, जैसे ये माइनस सप्लाई है, इसमें माइनस जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, और देख रहा है ये देखें माइक में ये जो माइनस सप्लाई है ये वाली, और इसकी ये वाली माइक की माइनस सप्लाई है, ये डायरेक्ट चली जाएगी, और ये जो ब्राउन वाली केबल है दोनों की, ये वो दोनों केबल यहाँ करके लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है, दोनों केबल यहाँ पे लग जाएगी, और यहाँ से एक कनेक्शन उठेगा, यहाँ से दोनों के लिए एक कनेक्शन निकालेंगे, और उसको ले आ करके हम ये जो माइक का जो कनेक्टर है इस पे हम दे देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम माइक प्रेस करेंगे तो माइक का ये स्टार्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ से ये माइक का वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। माइक प्रेस करने पे
ये माइक आपको लगाने पड़ेंगे और यहाँ से वॉल्यूम लगा करके अब करना होगा। ये आईसी बेस है तो क्वालिटी इसकी अच्छी है। TLO 71 मैंने यूज किया हुआ है यहाँ पे माइक के लिए, TLO 71 या 72 यूज किया हुआ है। देखिए मेरे ख्याल 71 ही यूज किया है दोनों माइक के लिए या 72। ये 5532 होगा। ये मैंने बहुत पहले बना रखा था, करीब 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया है ये बोर्ड बनाए हुए। मैं कहीं और बिजी हो गया था इस वजह से मैं इसकी वीडियो नहीं बना पा रहा था, ना ही इस कैबिनेट में मैं इसको लगा पा रहा था। कुछ काम आ गया था फ्रीलांसिंग का, सॉफ्टवेयर के लिए मैं मोबाइल एप्लीकेशन बनाता हूँ तो उस पर, तो उसमें थोड़ा सा बिजी हो गया था। अभी थोड़ा फ्री पाया तो मैं सोचा कि चलो बना देते हैं। ये इस पेज का काम, मतलब कि फ्री टाइम पे मैं काम करता हूँ इस वजह से मैं इस तरीके से बना देता हूँ। कभी ज़रूरत पड़ती है जैसे किसी को रिक्वायरमेंट होगी तो ऑन डिमांड बना देता हूँ। इसकी अभी किसी को डिमांड थी कि भाई हल्का फुल्का बना दे, त्यौहार आ रहा है इस वजह से मैंने बना रखा हुआ है। चलिए तो अभी देना था तो मैंने कहा कि चलो बना करके इसकी वीडियो मैं चढ़ा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 2 पॉइंट है और इसको ऑन करके दिखाते हैं। ये ऑन हो गया, पहले मैंने इसको सीरीज पे चेक किया हुआ है, डायरेक्ट मैं ऑन नहीं करता हूँ। ये देखिए दोनों रिले ऑन हो गए हैं। ये रिले में धीरे से हो जाता है, यहाँ से आप इसको रिले की जो टाइमिंग है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। कोशिश करिए कि यहाँ पे 3 पिन वाला जो ये मल्टी रोटरी की जगह सिंगल रोटरी हो। मैं इसको फिर घुमाता रहूँगा फिर आपको समझ नहीं आएगा। सिंगल रोटरी होता तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसे घुमा देता तो इसका डिले टाइम जो है आपको समझ में। इसमें अच्छी क्वालिटी की HF लगी हुई है, इस वजह से थोड़ी सी हमिंग आ रही है इन वायर्स की वजह से। आप ये देखें, इसको जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ हमिंग पकड़ रहा है। इन वायर्स को चेंज करके आप अच्छी क्वालिटी की वायर, जैसे वो वाली वायर मैंने दिखाई थी यहाँ पर, ये वाला अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो अच्छा चलेगा। ठीक है इसको ऑन करते हैं। थोड़ा सा चला देता हूँ, ज़्यादा नहीं चलाऊँगा। अभी फ़िलहाल इसमें मैं NCS दूसरा सॉन्ग चेक करा दूँगा। अभी इसको चलाएंगे तो NCS कॉपीराइट का जो प्रॉब्लम होती है वो आ जाएगी। देखते हैं, अभी कोई दूसरा फ़ोन है नहीं, अभी मैं अरेंज करके दूसरा फ़ोन, वैसे बहुत पड़े हुए हैं, देखता हूँ जो भी फ्री होगा उसे NCS कनेक्ट करके मैं चला करके मैं इसको दिखाता हूँ। आप इसके कनेक्शन डायग्राम सारे समझ गए होंगे कैसे कनेक्ट करना है, और उस पर इसको ऑफ कर देते हैं। फिलहाल पॉइंट लग जाएगा तो जल जाएगी। ICs बहुत जल्दी उड़ती हैं तो इसमें से मैं ये जो मेन ट्रांजिस्टर वाले जो एम्पलीफायर होते हैं ये मैं इसको ही बनाता हूँ। और 44-40 वगैरह भी हल्का फुल्का बना देते हैं, लेकिन अब जैसे कि 100+100 वाट पे बात 94 और सब होती हैं प्रीफर कम करता हूँ, इसलिए कि उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी जैसे कि इसका शॉर्ट सर्किट हो गया इधर में स्पीकर आउटपुट पे वो तुरंत जल जाती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम है। इसी वजह से मैं ये ट्रांजिस्टर बेस ज़्यादा बनाता हूँ, मेरे पास ट्रांजिस्टर बेस ज़्यादा मिलेंगे। दस अपना ये हैवी मशीनें बनती है तो उस पर भी ट्रांजिस्टर बेस ही बनाते हैं, उस पर हल IC बेस नहीं बनाते, तो उस पर ज़्यादा हार्ड सेट है। और यहाँ पे जो रेक्टिफायर मैंने लगा रखा हुआ है देख रहे होंगे, इसकी जगह पे आप 4 पॉइंट बने हुए हैं, आपको 4148 या 4007 भी यूज कर सकते हैं। इसको आप निकाल लीजिए, यहाँ पे अगर आपको 4007 मिल रहा है वो यूज कर लीजिए,
अगर ये मिल जाता तो ये भी यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इसलिए कि रेक्टिफायर का काम करता है, तो रेक्टिफायर की जगह पे आप सिंगल इसको भी यूज़ कर सकते हैं और वो चार डायोड भी लगा के यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिलहाल ये कंप्लीट बोर्ड है और ये जम्पर किया हुआ है, ये इनपुट सिग्नल का जो ग्राउंड है इसको मैंने बॉडी से ही जम्पर कर दिया हुआ है, इसलिए कि सारे ग्राउंड जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा हो रहा था, मैंने इसको बॉडी में जम्पर कर दिया। आप चाहो तो यहाँ से इसका जो ग्राउंड है इसको भी जम्पर कर सकते हो बॉडी से, या मैंने जो यहाँ से किया हुआ है आप स्पीकर का आउटपुट है इसको भी जम्पर कर सकते हो, यहाँ पे कोई एक पॉइंट आप जम्पर कर दीजिए, या तो एक सेंट्रल ग्राउंड बना लीजिए जैसे यहाँ गया है, यहाँ से एक ग्राउंड कर लीजिए और यहाँ पे ग्राउंड करने के बाद फिर यहाँ से डायरेक्ट जैसे सभी ग्राउंडिंग है वो सभी एक जगह से स्टार ग्राउंडिंग जो होती है आप उसको यूज कर सकते हैं। और ये कंप्लीट है फिलहाल, दे दूँगा जिसको भी जाना है, आप चेक करके बताइए इसका प्राइस क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिलहाल इसी का एक एडवांस वर्जन बनाएंगे 100+100 पे, इस पे आप 30-30 लगा सकते हैं, मैक्सिमम 30 से 35, 50 पोर्ट से ऊपर सप्लाई नहीं जानी चाहिए, तो आप इसमें 25-25 लगा हुआ है, आप 30-30 तक लगाइए सेफ साइड, 35 भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि 50 के ऊपर सप्लाई तो नहीं जा रही है, इसलिए सारे कंपोनेंट 50 वोल्ट के अकॉर्डिंग ही लगे हुए हैं। और इस पे मैं एक और ट्राई करूँगा 100+100 के लिए, थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में, इसकी भी क्वालिटी अच्छी है नो डाउट। और एक 100+100 में जैसे SOCL 504 हो गया, OCL हो गया, और नामेक हो गया, या और भी हैं अपेक्स और भी हैं, और कुछ भी क्वालिटीज़ हैं और भी हैं, तो उस पर भी ट्राई करूँगा, जैसे इसका BT बोर्ड बना हुआ है कि इसका BT बोर्ड चेंज करके भी ट्राई करेंगे, BT बोर्ड चेंज करके, और मीन्स कि इस टाइप का छोटा एक दो बोर्ड मैं ट्राई करूँगा। आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए कि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं इस टाइप की वीडियो डालता रहूँगा। और इसका प्राइस क्या होना चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए, कि मार्केट में, मैं मार्केट नहीं जाता नहीं हूँ, तो आप ही बताइए क्या प्राइस होना चाहिए, फिर जैसा भी होगा देखें देखते हैं, और मैं इसका NCS चेक करा देता हूँ। ओके ये इसके मैंने सिगरेट वायर यूज किए हुए हैं, ये उसको मैंने हटा दिया, देखिए हल्का सा ऐसा नहीं आ रही है, तो ये भी बचा हुआ है, इसको भी हटा देंगे थोड़ी देर में, फिलहाल इसको देना है प्लस वीडियो भी अपलोड करनी थी, तो स्विच मैंने लगा रखा हुआ है, वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूँगा थोड़ी देर में एडिट करने के बाद। तो ये ब्लूटूथ कनेक्टेड है देख सकते हैं,
माइक का जैसा बताया है, ये दोनों माइक के कनेक्शन है, ये माइक का वॉल्यूम है। फिलहाल इस बोर्ड का प्राइस क्या होना चाहिए और कंप्लीट एम्पलीफायर का प्राइस क्या होना चाहिए आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसको मैं सोच रहा हूँ सेल के लिए, मेरा पार्टनर है कोई, तो देखते हैं जैसा ही प्लान होगा। अगर नहीं होगा तो इसकी PDF मैं शेयर कर दूँगा। फिलहाल ये टेस्टिंग में जा रहा है, टेस्टिंग के बाद जैसा कस्टमर का रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। ओके, थैंक यू। Girls with the nails done.